बच्चों आप सबको आज के इस क्लास में स्वागत है और आज के इस अध्याय में हम अनुच्छेद पठन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतनी जोर से गुस्सा आया कि उसने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे मारने का सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। तो ये आपका अनुच्छेद यानी कि पैसेज यहीं पे है, आप और एक बार इसको पढ़ें। और इसके साथ साथ नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और जिन प्रश्नों का उत्तर ये अनुच्छेद में छिपा हुआ है, तो आप प्रश्न पढ़ के इसका उत्तर अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम अभी जाएंगे प्रश्न अ पे। प्रश्न अ पे प्रश्न है, गुफा में कौन सो रहा था? तो देखिए इसका उत्तर यहीं पर है, एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर होगा गुफा। तो हम लिखेंगे, सॉरी, इसका उत्तर होगा शेर, गुफा में शेर सो रहा था। अभी हम दूसरा प्रश्न पे जाएंगे। प्रश्न आपे प्रश्न आपे प्रश्न है, शेर के ऊपर कौन कूदने लगा? देखिए इसका प्रश्न का जो उत्तर है यहीं पे छुपा हुआ है, तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। तो यहीं पे इसका उत्तर तो क्या होगा? इसका उत्तर होगा एक चूहा। तो हम लिखेंगे, शेर के ऊपर एक चूहा कूदने लगा। अभी हम तीसरे प्रश्न पे जाएंगे और तीसरा प्रश्न है कि शेर को गुस्सा आने पर उसने क्या किया? तो अभी हम फिर से पैसेज में जाएंगे और वहीं पर ढूंढेंगे। तो ये लाइन पे हम इसको ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए, शेर को चूहे पर इतनी जोर से गुस्सा आया कि उसने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे मारने का सोचने लगा। तो हम इसको लिखेंगे कि शेर को गुस्सा आने पर उसने क्या किया? शेर को गुस्सा आने पर वह चूहे को पंजों में जकड़ लिया और उसे मारने का सोचने लगा। अभी हम चौथा प्रश्न यानी कि बड़ी ई में जाएंगे, बड़ी बड़ा प्रश्न है, कौन बहुत डर गया? तो यहीं पे आप लास्ट जो सेंटेंस है यहीं पे देख सकते हैं, चूहा बहुत डर गया। तो इसका उत्तर होगा चूहा। तो हम लिखेंगे, कौन बहुत डर गया का उत्तर होगा चूहा बहुत डर गया। अभी हम पांचवी यानी कि छोटी ऊ में जाएंगे, अनुच्छेद में किस शब्द का उल्टा यानी कि विपरीत शब्द है जागना है? तो यहीं पर देख सकते हैं कि जागना का उल्टा होता है सोना। तो हम यहीं पर लिखेंगे कि अनुच्छेद में से
उल्टा जागना शब्द का उल्टा यानी कि विपरीत है सोना। धन्यवाद और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।